लालू प्रसाद यादव की नहीं खत्म हो रही मुश्किलें, दिल्ली पटना रांची पुरी और गुरुग्राम समेत 12 ठिकानों पर छापे। 2006 में रेलवे का होटल निजी कंपनी को देने के मामले में सीबीआई के लालू के ठिकानों पर रेड, नियमों को ताक पे रखकर रेलवे का टेंडर निजी कंपनियों को देने का। लालू रावड़ी देवी और दो बेटों के अलावा दो कंपनियों के डायरेक्टर्स के खिलाफ भी केस दर्ज, लालू के रेलवे मिनिस्टर के दौरान के दस्तावेजों की पड़ताल। पटना के सुजाता होटल में छापेमारी, 2006 में दिया गया था सुजाता होटल को टेंडर। लालू प्रसाद यादव के परिवार के पटना मॉल को लेकर भी विवाद, पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना मॉल का काम शुरू करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में गुरुवार को फिर भड़की हिंसा, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल हिंसा पर हालात का जायजा लेगी बीजेपी की लोकल यूनिट, चोपा गांगुली की अगुवाई में बीजेपी का राज्य स्तरीय डेलीगेशन आज पहुंचेगा बशीरहाट। केसरीनाथ त्रिपाठी के समर्थन में आए त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ममता से जवाब मांगने का पूरा अधिकार। दिल्ली में जीएसटी के क्लास में कांग्रेस पर परसे जेटली, कहा अफरा तफरी मचने के डर से पीछे हटी कांग्रेस, लेकिन जीएसटी लागू होने से नहीं मची अफरा तफरी। गुजरात के नवसारी में 51,000 महिलाओं के पंजे पर कमल के निशान वाली मेहंदी बनवाकर बीजेपी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, आदिवासी इलाकों में पैट बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। कर्मचारियों पर सीएम योगी का हंटर, 50 साल की उम्र में कर दिए जाएंगे रिटायर, कार्मिक विभाग ने जारी किया शासनादेश। यूपी में सरकारी कर्मचारियों पर कसी जा रही नकेल के खिलाफ गोलबंदी, वाराणसी में कर्मचारियों ने डीएम दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। मधुबनी से बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी की जताई मंशा, कहा अगर पार्टी बनाती है उम्मीदवार तो स्वागत। हिंदी के खिलाफ कन्नड़ समर्थकों का दुष्प्रचार जारी, बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट के बोर्ड पर हिंदी में लिखे शब्दों को मिटाया। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के एक साल पर जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर पाबंदी, आज हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर में डीएसपी अयूब पंडित के कातिलों की हुई शिनाख्त, पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया, एक मस्जिद के बाहर पीट पीट कर हुई थी हत्या। काले हिरण मामले में गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए सलमान खान, 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सफर करना अब एक दंडनीय अपराध, पकड़े जाने पर जेल और 500 रुपए के जुर्माना का प्रावधान। खबरों की दुनिया में नंबर वन आज तक के खाते में एक और खिताब, एक्सचेंज ऑफ मीडिया के टॉप 50 ब्रांड अवार्ड में मिला बॉटम ऑफ पिरामिड सम्मान। तीन दिवसीय यात्रा के बाद जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे पीएम मोदी, G20 समिट में लेंगे हिस्सा। तनातनी के बीच जर्मनी में चीन के राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे पीएम मोदी, कनाडा जापान ब्रिटेन के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी ने हाइफा बीच पर पिया समंदर का फिल्टर पानी, नेतन्याहू ने मोदी को कराई जीत की सैर। राजस्थान के बीकानेर में जीएसटी के विरोध में सड़कों पर उतरे कारोबारी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जीएसटी के विरोध में सूरत में कपड़ा कारोबारियों का प्रदर्शन जारी, लगातार चौथे दिन बुलाया बंद। कांग्रेस का भी जाग उठा गाय प्रेम, गाय को बचाने के लिए राजस्थान के बीकानेर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की गुंडागर्दी, कमिश्नर दफ्तर ने अधिकारी के मुंह पर मारी मछली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एडवेंचरस अवतार, इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया पैराग्लाइडिंग का वीडियो। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में बवाल जारी, सर्वदलीय बैठक में नहीं निकल पा रहा कोई नतीजा। बिहार के बेगूसराय में मरीज की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता पर एक शख्स के अपहरण का आरोप, स्थानीय लोगों ने डीएम दफ्तर पर किया प्रदर्शन। गोरखपुर में संतुलन खोकर भी सड़क पलटा, ऑयल टैंकर तेल लूटने में मची हुई। उड़ीसा में चिकित्सा व्यवस्था की फिर खुली पोल, गंजम जिले में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मां के शव के बांस पर लटका कर ले गया बेटा। उत्तराखंड के चंपावत में देखते देखते उफनती धारा में समा गई ऑल्टो कार, ड्राइवर की बार बार बची जान। चंपावत में लगातार 36 घंटों से हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से चार धाम के यात्रियों पर मुसीबत, भूस्खलन की वजह से उखीमठ चोपटा सड़क पर आवाजाही ठप।
मानसून की बारिश ने यूपी के शहर गोरखपुर में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पानी में डूबे कई इलाके। असम के करीमगंज समेत 13 जिलों में बाढ़ का सितम। लाखों लोग बेघर हुए। बिजनौर में बस और इनोवा की टक्कर। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। मेरठ में एक महिला ने पति पर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर भाई से लाखों रुपए ऐंठने का लगाया आरोप। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बहराइच में शादी के फौरन बाद दूल्हे की बेरहमी से हत्या। परिजनों ने नई नवेली दुल्हन पर जताया शक। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में शाम 6 बजे के बाद कैंपस में नहीं रुक पाएंगी महिलाएं। वीसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर जारी किया आदेश। गाजीपुर में बीजेपी विधायक अमलेश शुक्ल पर अपने समर्थकों के साथ एक घर पर जबरन कब्जा जमाने की कोशिश का आरोप। पुलिस ने जांच की कही बात। मिर्जापुर में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़। नदी किनारे बसे कई घर पानी में डूबे। 6 लोग लापता। मैनपुरी में बारिश का कहर। दीवार गिरने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। महाराजगंज में नेपाल की नदियों से आई तबाही से कई इलाकों में बाढ़। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। बागपत में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मेरठ में बेटे का चालान काटने पर बीजेपी पार्षद ने एसओ को सुनाई खरी खोटी। सरेआम धमकाया। मुरादाबाद में मोबाइल टावर में आग से अफरातफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मथुरा में लुटेरी दुल्हन ने उड़ाए ससुराल वालों के होश। शादी के 2 दिन बाद सभी को बेहोश कर जेवर नकदी लेकर फरार हुई। गाजीपुर में पुलिस ने सुलझाई नाबालिग की हत्या की गुत्थी। 2 युवक गिरफ्तार। झांसी में एक घर में लुटेरों का आतंक। 75 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूटपाट। गाजियाबाद में कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ ने की मॉक ड्रिल। आतंकी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा का अभ्यास। नोएडा के सेक्टर 30 में कारोबारी के घर 40 लाख के गहने लेकर भागा नौकर गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में निगाहों से पकड़ा गया। रामपुर में लूट के सामान के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे। एक साथ 3 घरों को बनाया था निशाना। मेरठ में एक आश्रम में महिला और उसके बेटे को बंधक बनाकर लूटपाट। लुटेरों का अब तक नहीं मिला सुराग। दिल्ली से सहारनपुर जा रही ट्रेन में फायरिंग से हड़कंप। एक शख्स घायल। बस्ती में कन्या विद्यालय में लैपटॉप आवंटन में धांधली की शिकायत। प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज। जालौन में बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाने पर भड़के सरकारी कर्मचारी। डीएम दफ्तर में दिया धरना। सीतापुर में बोलेरो और ट्रक में टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 बुरी तरह घायल। बाराबंकी में नेपाल से छोड़े गए पानी से घाघरा में उफान। 150 गांव में बाढ़ का खतरा। संत कबीर नगर में शिव मंदिर से कीमती मूर्तियां ले उड़े चोर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का इलाहाबाद दौरा। प्राथमिक स्कूल में बच्चों को बांटे यूनिफॉर्म। कैमूर में 2 ट्रकों में भयंकर हादसे में एक ड्राइवर की मौत। एक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। गया में एक महिला को डायन बताकर जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आजाद कराया। मधुबनी के कुटौना थाना के दारोगा ने पार की हदें। छेड़खानी के शिकार महादलित नाबालिग लड़की का कराया मेडिकल टेस्ट। नालंदा में प्राइमरी स्कूल के टीचर पर तीसरी कक्षा की 2 बच्चियों से छेड़खानी का आरोप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में बैंक में लूट की योजना बना रहा शातिर अपराधी। दिलीप मंडल गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। बिहार में कोसी का जलस्तर बढ़ने से सुपौल में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। सैकड़ों लोग बेघर हुए। बिहार में शराबबंदी कानून का पुलिस वाले बना रहे मजाक। भागलपुर में शराब पीते पकड़े जाने पर 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। फरीदाबाद में 500 रुपए घूस नहीं देने पर ट्रक ड्राइवर की होमगार्ड ने की पिटाई। नाराज ट्रक ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। करनाल में बच्ची के जन्मदिन पार्टी में बसरा मातम। हर्ष फायरिंग में गोली लगने से युवक की मौत। दिल्ली के हरिनगर से अगवा 2 साल के मासूम को पुलिस ने रिहा कराया। पड़ोस के युवक ने चुराकर एक गिरोह को बेचा था। पाकुड़ में बिना अनुमति जुलूस निकाल रहे पीएफआई कार्यकर्ताओं के पुलिस से झड़प। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल। बोकारो में महिला बैंक कर्मी का पर्स छीन कर भाग रहे नाबालिग चोर की भीड़ ने की जमकर धुनाई। बाद में पुलिस को सौंपा।
देवघर में एक वन कर्मी की पत्नी का घर में संदिग्ध हालत में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लातेहार में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई बस, करंट लगने से ड्राइवर की मौत, चार घायल। हजारीबाग में मॉनसून की पहली बारिश में ही बहा 15 लाख का पुल, बांस के पुल के सहारे नदी पार कर रहे ग्रामीण। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज से रंजिश में 62 साल की महिला को घर में घुसकर मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में बदमाशों का आतंक, कैंट इलाके में एक कर्नल से बीएमडब्ल्यू कार लूटने की कोशिश। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर नटवलाल, बड़ी से बड़ी तिजोरी और मजबूत लॉकर को मिनटों में खोलने में माहिर, देशभर में 72 से ज्यादा मामले दर्ज। बिहार के समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल बंद होने से 4500 मजदूरों का परिवार भुखमरी के कगार पर, मिल प्रबंधन ने आर्थिक मंदी का दिया हवाला। हिमाचल के पालमपुर में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी, स्थानीय लोगों की मदद से मिला रास्ता। जोधपुर के पास बालेसर में एयरफोर्स का ट्रेनिंग विमान MiG-23 क्रैश, सभी पायलट सुरक्षित। धौलपुर में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का सनसनीखेज मामला, करीबी रिश्तेदारों पर लगा आरोप। उदयपुर में एक युवक की हत्या पर बवाल गुस्साए लोगों ने, आरोपी को 4 घरों में फूका। सिरोही में खेत की बाढ़ में लगे तार में फंसकर तेंदुए की मौत, वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी। यूपी के हरदोई में मानव तस्करी का सामने आया मामला, पुलिस ने 2 युवतियों को दलालों के चंगुल से आजाद कराया। दिल्ली के मधुविहार में 19 साल की युवती से चलती कार में रेप, एक आरोपी गिरफ्तार। अपने एक दोस्त के बुलाने पर उसने मिलने गई थी पीड़ित, कार में दोस्त के साथी ने किया रेप। दिल्ली के जयपुर में तांत्रिक पर 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में एयर होस्टेस बनने का सपना देख रही 21 साल की युवती को उसके दोस्त ने चाकुओं से गोदा, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सैनिक विहार में 25 लाख की चोरी, गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ग्वालियर में 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, चाचा के ही लड़के पर लगा आरोप। सीहोर में सिंचाई विभाग के इंजीनियर के घर दिन दहाड़े डाका, पत्नी को बंधक बनाकर 15 लाख के गहने और जेवर लेकर फरार हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में सेल्फी के लिए 3 युवकों ने लगाई जान की बाजी, 150 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़े। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक तरफा प्यार में नाकाम आशिक ने थाने के अंदर खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हाईवे पर पहाड़ से आए मलबे की चपेट में कार हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत।